गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ये देखिए क्लास फर्स्ट हिंदी और ये आज आपका जो डेट है 21 मई, तो आज का वर्क आ चुका है। लास्ट जो हमने वर्क कंप्लीट किया था रचनात्मक मूल्यांकन था, जिसमें मैंने बुक फिल की थी और आपको बोला था, तो आपने फिल की कर ही ली होगी। तो अपने वर्क को कम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखिए यहाँ चैप्टर स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 2 और एकता का बल। एकता का बल मीन्स एकता में शक्ति होती है। जब हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे तो हमें कोई भी नहीं हरा सकता, और जब हम अलग अलग हो जाएंगे तो कोई भी हमें बड़ी आसानी से हरा सकता है, इसमें यही बताया है। तो इस चैप्टर में बेटा ये बताया है कि एक किसान था, और जैसे देखिए इसमें एक किसान है और इसके 5 बेटे हैं। ये अपने इसके पांचों बेटे कैसे थे, खूब बलवान और मेहनती थे, लेकिन क्या करते थे, वो हर समय लड़ते रहते थे। तो किसान को ये चिंता लगी रहती थी, पता नहीं ये इनका क्या होगा, कैसे ये मिलजुल से रहेंगे। तो किसान को इस तरीके की चिंता खाई जाती थी। तो अचानक से उसके दिमाग में एक प्लान आया, एक योजना आई, और उसने अचानक से अपने चारों पांचों बेटों को बुलाया और बुलाकर एक लकड़ी का गट्ठर दिया कि लो, एक एक करके दिया कि लो इसे तोड़ो। लेकिन वो जो गट्ठर था लकड़ी का, वो कोई भी नहीं तोड़ पाया। फिर उसने क्या किया, किसान ने एक एक लकड़ी निकाल के दी, फिर तोड़ने के लिए कहा, तो सभी ने बहुत आसानी से वो लकड़ी तोड़ दी। तब उसने, जो किसान है, अपने बेटों को समझाया कि जिस तरीके से तुमने एक एक लकड़ी को आसानी से तोड़ दिया है, उसी तरीके से तुम अगर अलग अलग रहोगे तो हर कोई भी व्यक्ति तुम्हारी कमजोरी को पकड़ के और तुम्हें हरा सकता है। लेकिन जब तुम एक साथ हो जाओगे तो उसी लकड़ी के गट्ठर की तरह हो जाओगे कि जो कि आप में से कोई नहीं तोड़ पाया, और ना ही तुम अगर जब एक हो जाओगे तो तुम्हें भी कोई नहीं हरा पाएगा। तो इस तरीके से किसान ने समझाया कि लड़ना झगड़ना इसे बंद करो, और ये तुम्हारी कमजोरी बनती है, तुम्हें कमजोर बनाता है। मिलजुल कर रहोगे तो तुम्हें ये मजबूत बनाएगा और स्ट्रांग हो जाओगे एकता से आप। तो इसीलिए ये जो पूरा चैप्टर है, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें एक बन के रहना चाहिए, क्योंकि एकता में ही शक्ति होती है। तो ये देखिए आपके बेटा चैप्टर की समरी, ये थोड़ी सी मैंने शॉर्ट में बता दी अपने शब्दों में, इसे आप अच्छे से रीड करें। ये आपका वर्क है, आपका रीडिंग का वर्क है चैप्टर 3 की। और ये देखते हैं आज एक्सरसाइज और देख लेते हैं इसी में। तो ये देखिए एक्सरसाइज में क्या है, वाक्य को पूरा करो। तो वाक्य को पूरा करने में क्या है, किसान के बेटे और थे, तो कैसे थे, बलवान और मेहनती थे। अब ये नेक्स्ट आ रहा है, किसान के बेटे हमेशा रहते थे, कैसे रहते थे, लड़ते झगड़ते रहते थे। 5 बेटों में से कोई भी लकड़ियां का गट्ठर नहीं तोड़ पाया। मिलजुल कर एक साथ रहोगे तो मजबूत बनोगे, लड़ झगड़ कर अलग अलग हो जाओगे तो कमजोर बनोगे। तो ये देखिए आपके फिलअप्स हो गए कम्प्लीट। अब यहाँ टिक द करेक्ट ऑप्शन है। अब ये देखिए ये क्या कह रहा है, किसान के बेटे थे तो 5 थे या 2 थे, तो ऑब्वियसली बच्चे 5 थे उसके, तो हमने 5 पर टिक लगा दिया। अब ये देखिए किसान के बेटे कैसे रहते थे, मिलजुल कर या लड़ झगड़ कर, तो लड़ झगड़ कर, तो हमने लड़ झगड़ झगड़ने पर टिक लगा दिया है। एक एक लकड़ी को तोड़ना कैसा होता है, आसान, तो आसान पर टिक लगाया है। मिलजुल कर साथ रहोगे तो बनोगे मजबूत, तो हमने मजबूत पर टिक लगाया है। अब ये कह रहा है सही अथवा गलत पर निशान लगाओ। किसान के 4 बेटे थे, गलत। किसान के बेटे मिलजुल कर रहते थे, गलत। एक एक लकड़ी को तोड़ना बहुत आसान होता है, सही। लकड़ियों को एक साथ गट्ठर में बांध देने से ये बहुत मजबूत हो जाती हैं, सही। ये भी आपका सही है, मतलब पहला दूसरा गलत है, तीसरा चौथा सही है। अब ये देखिए नीचे क्या है, वाक्य बनाओ। चिंतित शब्द दे दिया है, चिंतित, तो किसान अपने बेटों के लिए चिंतित रहता था। ये हमने इसमें वाक्य में अपना शब्द का यूज़ किया है। अब ये देखिए गट्ठर, तो कोई भी लकड़ी का गट्ठर तोड़ ना सका। लकड़ी एक एक लकड़ी को तोड़ना आसान है। आगे देखते हैं विनाश, तो ये क्या है, अहंकार व्यक्ति का विनाश कर देता है, और शक्ति एकता में शक्ति होती है। आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं ये क्या कह रहा है, एक से अनेक शब्द बनाओ। जैसे हमने इसने लिख रखा है बेटा, तो बेटा का क्या हो जाता है, बेटे। किसान किसानों, झगड़ा झगड़े, लकड़ी लकड़ियों, लड़का लड़के, 5 5ों। आगे देखिए शुद्ध शब्द पर ही उसके सामने सही का निशान लगाना है। जैसे एक बॉक्स में 2 तरीके के शब्द दे दिए, एक सही और एक गलत, जो सही है उस पर टिक लगाना है। जैसे बलवान बलवान, तो ये वाला बलवान सही है, किसान ये सही है, कमजोर ये सही है, तो इन पर टिक लगाना है। इधर देखते हैं लड़ाई,
तो ये लड़ाई ये सही है, लकड़ियों, ये लकड़ियों सही है, लड़के, तो लड़के ये वाला सही है, ये जो हमने टिक लगाया है। ठीक है, तो बेटा ये आपका वर्क है। और देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, इनको पूरा करने के लिए बोला है। तो जैसे एकता, मोल, लकड़ी, इस तरीके से हम अपने शब्द को भी पूरा कर सकते हैं। तो ये बेटा आज का वर्क हो गया है, ये आपका सबसे पहला जो वर्क है इस चैप्टर की रीडिंग करनी है अपने घर पे बैठ के आराम से, और इस शब्द चैप्टर की रीडिंग के बाद अपनी बुक फिल करनी है, एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करनी है। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। बचे आपके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर, वो हम अपने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर देंगे। तो जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।